ये छह गलतियां जो बड़े से बड़े बिजनेस को डुबो देती हैं, जानिए बिजनेस में भूल कर भी ना करें ये गलतियां। व्यवहार, घमंड किसी भी व्यक्ति का अच्छा नहीं कर सकता। यदि किसी व्यक्ति में अहंकार आ जाए तो वो अपना और दूसरों के बारे में सही सोचना बंद कर देता है। ठीक उसी तरह बिजनेस में ये नियम लागू होता है। यदि किसी व्यापारी में घमंड आ जाए वो अपने कस्टमर्स और अन्य लोगों से दुर्व्यवहार करने लगता है। ऐसा व्यवहार किसी भी सफलता से परिपूर्ण बिजनेस का भी पतन का सरिया है। प्रतिक्रिया, जब भी आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं इस बात का खास ख्याल रखें कि लोग आपके व्यवहार, प्रोडक्ट्स, लोकेशन और शॉप के बारे में क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं। समय समय पर अपने ग्राहकों से फीडबैक लेते रहें जिससे आपको पता हो कि आप कहां पर सही जा रहे हैं और कहां गलत। जब आप किसी भी चीज़ की प्रतिक्रिया और फीडबैक का अनुसरण करते हैं तो ये आपको नई और सही राह दिखाता है। वित्त, आय व्यय का प्रबंध। एक सफल बिजनेस के लिए आवश्यक है कि आप आय व्यय के बेहद खास तरीके से प्रबंध करें। आपको पता होना चाहिए कि इस महीने आपने कितना खर्च किया और कितना कमाया। कमाई के हिसाब से खर्चों को आगे बढ़ाना चाहिए। इतना ही नहीं, किसी भी व्यापारी को इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि उनके बिजनेस में कितना निवेश हो रहा है, कहाँ से बजट बनाना है, कहाँ से पैसा उठाना है। साथ ही पहले से ही स्पेशल फंड की व्यवस्था करनी है। ये एक बिजनेस के लिए बेहद आवश्यक है, लेकिन बहुत से व्यापारी इन सब बातों की चिंता नहीं करते। साथ ही उनके पास इस परिस्थिति से उभरने का कोई प्लान भी नहीं होता, जिसकी वजह से बहुत से व्यापार अच्छे खासे चलते चलते डूब जाते हैं। भंडार माल, मार्केट को देखते हुए हर व्यापारी को अपने प्रोडक्ट्स पर खास ध्यान देना चाहिए। अपने स्टॉक को समय समय पर चेक करना चाहिए। डिमांड को देखते हुए निर्णय लें। अपने स्टॉक में पहले से ही इतनी बढ़त बनाकर चलें कि अगर कोई गंभीर समस्या भी हो जाए तो आपका काम रुके नहीं। परंतु बहुत से व्यापारी अपने स्टॉक को लेकर कुछ खास नहीं करते हैं। वो बस आज में जीने वाली थ्योरी को ही फॉलो करते हैं, जिससे भविष्य की कोई प्लानिंग नहीं बनती और बिजनेस डूबने की कगार पर पहुंच जाते हैं। गुणवत्ता, ये माना महंगाई के दौर में हर कोई सस्ते से सस्ता प्रोडक्ट लेना चाहता है, लेकिन ध्यान दें, सिर्फ सस्ता लेना चाहता है, ना कि खराब क्वालिटी वाला प्रोडक्ट। लेकिन आपको अपने बिजनेस में प्रोडक्ट्स की क्वालिटी पर खास ध्यान देना है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप अपने बिजनेस को खतरे की ओर मोड़ रहे हैं। कर्मचारी, जब भी आप अपने स्टाफ को रखें तो निश्चित ना हो जाएं कि अब स्टाफ मैनेज कर लेगा, बल्कि जब आप कोई स्टाफ रखते हैं तो आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। आपको अपने स्टाफ को अच्छे से ट्रेनिंग देनी होती है, कैसे ग्राहकों के साथ व्यवहार करें और सही सामान खरीदने में मदद करें, साथ ही फास्ट काम कर सकें। जो लोग भी अपने स्टाफ को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं देते या स्टाफ के व्यवहार पर नज़र नहीं बनाए होते, वो अपने ग्राहकों को अपने से दूर कर रहे होते हैं। ऐसे में ग्राहक ही किसी भी बिजनेस का देवता होता है, और जब ग्राहक ही मुँह फेर ले तब आपका बिजनेस आगे कैसे बढ़ सकता है। ध्यान देने योग्य बात, अपनी दुकान के स्टाफ को कैसे आसानी से मैनेज करें। ओके स्टाफ, स्टाफ को मैनेज करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन ओके स्टाफ के साथ आप अपनी टीम और स्टाफ को बेहद आसानी से मैनेज कर सकते हैं। स्टाफ की सैलरी, उनकी अटेंडेंस बहुत ही आसानी से मैनेज की जा सकती है। इस ऐप के माध्यम से आप सभी कर्मचारियों की जवाबदेही भी तय कर सकते हैं। इसमें बिना किसी समस्या के आप हर कर्मचारी को उसकी छुट्टी, बोनस, परफॉर्मेंस, सैलरी आदि बता सकते हैं बस कुछ ही क्लिक्स में। खास बात यह है कि ओके स्टाफ काफी सारी लोकल भाषाओं में उपलब्ध है, जैसे कि हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु आदि, इसलिए आपको भाषा से जुड़ी समस्या नहीं होगी। ओके स्टाफ ऐप के बारे में और अधिक जानने के लिए आप इस लिंक पर क्लिक करें। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ओके स्टाफ का लिंक पा सकते हैं। स्टाफ को बेहद आसान तरीके से मैनेज करने के लिए अभी डाउनलोड करें इसे गूगल प्ले स्टोर से। ओके स्टाफ ऐप को डाउनलोड करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।